you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज हम बनाएंगे शवारमा। कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम उसकी ब्रेड बनाएंगे यानी पीटा ब्रेड बनाएंगे, फिर हम उसकी थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग यानी एक सॉस है जिसका नाम है थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग, जो सॉस बहुत यूज़फुल होती है। आप सैंडविचेस, बर्गर और मैं करते हैं उस सॉस को, आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो सॉस की भी रेसिपी इसमें मैं दूंगी, और पीटा ब्रेड आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में भी आप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, ठीक है। पीटा ब्रेड घर में बनाना बहुत आसान होती है, और अक्सर आपको बाज़ार में पीटा ब्रेड्स नहीं मिल रही होती। उसकी वजह ये होती है कि ये जल्द से जल्दी एक्सपायर हो जाती है, इसीलिए बहुत कम आपको पीटा ब्रेड्स मिल रही होती हैं। और ये आप अपने घर में वैसे तो बहुत आराम से बना सकते हैं, इसीलिए आज मैं आपके साथ पीटा ब्रेड की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए जो आपको चाहिए होगी वो है मैदा 2 कप्स हैं, ऑल पर्पस फ्लावर है ये, ठीक है। और आपको चाहिए बेकिंग सोडा, जो यहाँ पे है ये बेकिंग सोडा है, ये है 1 टीस्पून, ठीक है। आपको चाहिए बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, और आपको चाहिए नमक, सॉल्ट 2 टीस्पून, और आपको यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। ऑयल मैं इसमें जब मैं इसको गूंथूंगी डो बनाने के लिए तो उसमें मैं 2 टेबलस्पून तब डाल दूंगी, और जब मैं गूंथ लूँगी तो मैं उसको असेंबल करने के लिए यानी उसको अपने हाथ से स्टिकीपन उसका दूर करने के लिए फिर मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ही लिख लिया। अच्छा, 1 कप हमें पानी चाहिए होगा। अच्छा, ये सब मेजरमेंट्स जो हैं वो मैंने अपने मेजरमेंट्स जो चीज़ें मिल ऐसी होती है कप्स एंड स्पूंस वाली, मैं इनसे मेजर करती हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं इसी से ये कप है मेरे पास तो मैं इससे मेजर कर रही हूँ, मैं इससे नहीं मेजर करती। ये प्रॉपर जो मेजरिंग कप्स और स्पूंस होते हैं मैं उन्हीं से मेजर करती हूँ। मेरी सारी रेसिपीज़ में आप सब मेजरमेंट इन्हीं से हुई हुई है, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल जिसमें हम आटा गूंथ देंगे, ठीक है। डो बनाएंगे, ये 2 कप्स मैदा ये मैं इसमें डाल देती हूँ, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें, ये बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, और मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ये देखिए मैं इसी से अपना स्पून, मेजरिंग स्पून है, ठीक है, इसी से मैं मेजर करूंगी। ये देखें इसी तरह से मैं मेजर करती हूँ हर रेसिपी में, 1 2। ये जो बकाया बचा है ये हम गूंथते हुए बाद में एंड में इस्तेमाल करेंगे। और हमें चाहिए होगा वार्म वाटर, लाइट वार्म वाटर, ठीक है। जो हमने पानी यहाँ पे लिया है वो हल्का सा नीम गर्म है, थोड़ा सा हम डालेंगे और इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा एकदम से, वरना डो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। थोड़ा सा पानी और, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें जैसे ये स्टेज आ जाएगी तो हम इसमें वो जो ऑयल हमने 1 टेबलस्पून रखा था वो अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और इसको गूंदेंगे अपने हाथ से। ये देखिए थोड़ा सा और ऑयल लूंगी मैं, बस ये डो मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है पीटा ब्रेड की। बस अब मैं क्या करूंगी, इसको 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी, थोड़ी सी देर हल्की वार्म जगह पे जैसे माइक्रोवेव होता है कहीं पे भी आप थोड़ी देर इसको 2 घंटे के लिए। ये डो मेरी तैयार है, अब मैं इसमें ऑयल लूंगी, जितना भी मेरा रहेगा एक्स्ट्रा ऑयल वो सब मैंने ले लिया है। इसके साथ इसको थोड़ा सा ग्रीस करूंगी, बस इसको इस तरह से हम रखेंगे, और इसके ऊपर कोई भी एक प्लेट या फिर आप वो क्या कहते हैं फॉइल पेपर कुछ भी आप इस तरह से इसको ढक के अच्छी तरह
आपने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था, ये मेरा 1 कप पानी पूरा यूज नहीं हुआ। देखिए ये पीटा ब्रेड की जो डो हमने बनाई थी, 2 घंटे इसको हो गए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसमें से छोटा सा पेड़ा लेना है, ठीक है, इतना सा, ठीक है, छोटा सा आपने इसमें से पेड़ा लेना है और आपने इसको यूं करके गोल गोल के बेलना है, और जैसे आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको रोटी की शक्ल देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, बस ये देखिए छोटी सी जितनी पीटा ब्रेड होती है बिल्कुल वही साइज आपने इसका बनाना है। ये देखिए बस हमें थोड़ी सी मोटी ही रखनी है, पीटा ब्रेड थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। ये आपने पीटा ब्रेड की शक्ल में इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। थोड़ा हाँ मोटा करना है ये आपकी मर्जी है, आपने किस तरह की डो आपने रोटी बनानी है, ये देखें, ठीक है, ये आपने ले ली। अब आपने क्या करना है, ये फोक लेके, ये फोक है, ये फोक लेके आपने इसको यूं करके पूरी इस पे ये आपने ये निशान डालने हैं। इस ये हम इसलिए डालते हैं, अगर हम ये ना डालें तो रोटी पूरी फूल सकती है। इसी पैन गरम हो रहा है, उस पैन में मैं इसको सेकूंगी, बिल्कुल हल्की सी सेकूंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपने इस तरह से पूरी रेडी कर लेनी है, ठीक है। आगे क्या करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरा पैन, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और ये मेरा गरम हो गया, ठीक है। आपने फ्लेम बहुत स्लो रखनी है, देख लें ये फ्लेम बहुत स्लो है, इसी स्लो फ्लेम पे आपने बिल्कुल बनाना है ये शॉर्मा, ये पीटा ब्रेड, ठीक है, शॉर्मा की ब्रेड, पीटा ब्रेड, ये आपने देखें इस तरह से इस पे डाल देना है। नॉन स्टिक पैन होना चाहिए ताकि स्टिक ना हो, तवा भी ले सकते हैं पर स्टिक ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। ये देखें अब ये इस तरह से ये हल्का हल्का बिल्कुल स्लो हीट पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि आपने इसको रंग जो इसके ऊपर से हल्का सा रेड करना है, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जब ये आहिस्ता आग पे पकेगा तो ये अंदर तक अच्छा सा पकेगा, ठीक है। ये देखें जब ये इस तरह से हल्का सा ये नीचे से सेका जाए, इसको टर्न कर देगा, ये देखें बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त कलर आया है, बिल्कुल इसी तरह से इसको पकना चाहिए। बस ये रेडी हो गई, दूसरी साइड से भी ये जरा सी इस तरह से पक जाएगी तो मैं इसको उतार लूंगी, ठीक है। आप चाहे पतली बना लें, आप चाहे मोटी बना लें, इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आपने कैसी चाय बनानी है, ठीक है। ये देखें दूसरी साइड से भी ये पक गई है, अब बस इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। मेरा पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है, ये मेरी 4 पीटा ब्रेड्स बनी है, ठीक है। मैंने 2 कप लिए थे मैदा, 2 कप से मेरे 4 पीटा ब्रेड्स मेरी रेडी हो गई है।
अब हमने वो शॉर्मे की जो फिलिंग है वो हम बनाएंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कुछ काट ली हैं, बहुत ही बारीक काटी है, ये देखें बहुत ही बारीक काटनी है सारी वेजिटेबल्स, बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है। ये सब चीज़ें बारीक बारीक कटेंगी। इसमें मैंने ये कैबेज लिया है, ये 1½ कप है। इसमें मैंने ये कैप्सिकम है, ये 1 कप है। ये मैंने वो अनियन लिया है, ये 1/2 कप्स हैं, और 1/2 कप है ये। और ये टोमेटोज मैंने काट लिए बीज निकाल के पील आउट करके, ये भी 1/2 कप है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आपने जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगते हैं आप वो डाल सकते हैं, जितनी डालनी है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे भी आपको अच्छी लग रही है आप वैसे डाल सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि आपने यही वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये चिकन स्ट्रिप्स में काट लिए, ये देखें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसको मैंने काट लिया है। ये है 1/2 kg, ठीक है। ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस बड़ा सा ले लिया था 1/2 kg का, उसको मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लिया है ये योगर्ट है, इसको मैंने बीट कर लिया है। बीट करके मैंने यहाँ पे इसको 3 टेबल स्पून योगर्ट दही जो ले ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सोया सॉस, ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून है, ये सोया सॉस है, ये 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून HP सॉस ले लिए और 2 टेबल स्पून DP सॉस ले लिए। ये दोनों अब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इससे आपके शवारमे के टेस्ट बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे बाजार का शवारमा होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपने ये यूज़ करनी है इसमें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिए चिली सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून है, ऑयल 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे विनेगर 1 टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गार्लिक लहसुन जो कि मैंने इसको पीस लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है ये 1/2 टीस्पून है, ठीक है। व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, और ये मैंने सिमेनियम पाउडर, ये दालचीनी का पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है, ठीक है। दालचीनी घर में होती है, आप उसको ग्राइंडर में पीस लें और इसको यूज़ कर लें। ये दालचीनी का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, ठीक है। इसमें मैं ये सबसे पहले अपना चिकन डालूंगी, इसमें मैं ये डालूंगी अपनी HP सॉस, ये मैं डालूंगी DP सॉस 2 टेबल स्पून है दोनों, 1/2 kg चिकन है। इसमें मैं डालूंगी चिली सॉस, इसमें मैं डालूंगी ऑयल, ऑयल से मसाला बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट होता है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी विनेगर, इसमें मैं डालूंगी योगर्ट, इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, और ये सारे मसाले जो मैंने आपको अभी दिखाए थे ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको सब चीजों को मिक्स करना है। ये देखिए सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं चीजें, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब आपने इसको आधे घंटे के लिए, 1/2 आवर के लिए आपने इसको रखना है साइड पे ढक के, ठीक है। 1/2 आवर के लिए आपने इसको साइड पे रख देना है। पैन ले लिया है, ठीक है। इसमें मैं शॉर्मे की वो फिलिंग बनाऊंगी, ठीक है। 1/2 आवर मेरे चिकन को हो गया है रखा हुआ, ये 1/2 आवर हो चुका है। अब इस हॉट पैन में मैं ये डालूंगी, ठीक है। ये आप इस तरह से डाल देंगे, तो ये मैंने डाल दिया था। बस
आपको हल्की फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है जब तक ये टेंडर ना हो जाए, इसकी चिकन गल ना जाए। ठीक है, इसको कैप लगा दूंगी मैं, यहाँ पे इसको मैं कैप लगा दूंगी और इसको मैं 10 मिनट्स तक इसी तरह पकने दूंगी और बीच में चम्मच भी हिलाती रहूंगी। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स में इसमें चम्मच भी हिलाती रहूंगी और इसको 10 मिनट्स तक इसी तरह से हल्की फ्लेम पे इसको टेंडर करना है मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर 2 मिनट्स हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। ठीक है, ये अच्छे से गल गए हैं और इसका ऑयल भी आ गया है। अब मैं इसमें ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं जो मैंने कट की हैं ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको मैं सिर्फ थोड़ी सी आग तेज करूंगी, फ्लेम मेरा तेज हो जाएगा फुल। ठीक है, फुल फ्लेम में इसको मैं हल्का सा सॉफ्टन करूंगी, हल्का सा यानी इसको पकाऊंगी। कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं सब्जियाँ, इसीलिए मैं इसको हल्का सा पकाऊंगी। ये देखें, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है इसी में। इतनी अच्छा इसका कलर देखे हैं, इतनी अच्छी वेजिटेबल्स बहुत फाइन आपने काटनी है क्योंकि शॉर्मे में बहुत ही बारीक सब्जियां पकती हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ये मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको शॉर्मे में पीटा ब्रेड में फिलिंग करके इसकी दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने बटर पेपर ले लिया है, ये एक बटर पेपर मैंने लिया है। इस तरह से आप बटर पेपर आपको बाजार से मिल जाते हैं, आप उसको कट भी कर सकते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं। आप इस तरह से ये बटर पेपर ले लें। ठीक है, ये बटर पेपर लेके आपने क्या करना है, ये आपकी जो शवारमा की ब्रेड है ये आपने इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपनी 1000 आइलैंड जो हमने सॉस बनाई थी वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। 1000 आइलैंड ड्रेसिंग जो हमने बनाई थी वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। ऐसे, ठीक है, ये स्प्रेड हो गई। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वो है जो अभी हमने बनाया है चिकन का फिलिंग जो हमने बनाई है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे आपने डाल देना है। ठीक है, थोड़ी सी और डाल देती हूँ मैं, फिलिंग ज्यादा होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। बीच में आपने इस तरह से लंबे से डाल देनी है। ठीक है, ये आपने इस तरह से आपने बीच में डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको यूं करके और यूं करके आपने रोल कर लेना है और आपने इसको यहाँ से बटर पेपर के कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है। देखिए कॉर्नर है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है यूं और इसको रोल करते हुए आपने ऊपर की तरफ ले जाना। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने रोल कर लिया, अब आपने यहाँ से अंदर डाल देना है और यहाँ से भी अंदर डाल देना। ये देखिए, आपका तैयार हो गया है, मिसाल का है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कुछ
you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.